गुंडागर्दी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि अब सड़कों पर उतरकर दुकानों में घुसने लगे। आपको बताएंगे हम एक ऐसी कहानी जहां आपको बता दें कि ये घटना जो है सीधी जिले की है, जहां पर एक दुकान में कुछ पैसे को लेकर के झगड़ा हुआ और दुकान में ही मारपीट शुरू हो गई, जो शहर के सड़कों से होते हुए सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। ये सीधी जिले के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत का मामला है, जहां आजाद नगर की घटना, जहां एक व्यापारी पर दिन दहाड़े दुकान में घुस करके मारपीट की गई। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो कि अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यापारी का नाम विकास सोनी है, जो कि आजाद नगर गली नंबर 3 का निवासी है और सोने चांदी की दुकान में टंच काम करता है। लेकिन 25 सितंबर को सुबह 11:30 बजे का वक्त इस व्यापारी के लिए बेहद ही अशुभ साबित हो गया, जहां सुरसोनी देव सिंह चौहान और उनके एक अन्य साथी ने पुराने विवाद के चलते दुकान में घुसकर के विकास सोनी पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात के दौरान विकास को कई जगह चोटें आई हैं, जहां की गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लल्लू लाल अवधिया और राजू मौर्या ने बीच बचाव किया, वरना हालात और भी बिगड़ सकते थे। आपको बता दें कि इस खौफनाक हमले के बाद पीड़ित विकास सोनी ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तुरंत जो है पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हुए सूरज सोनी देव सिंह चौहान और उनके एक अन्य साथी के खिलाफ VNS की धारा 256/115/2/351/3 एवं 3/5 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। सोशल मीडिया पर वीडियो जो ये वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठता है यह कि क्या आज भी व्यापारी और आम जनता की सुरक्षा जो है वो खतरे में है? आखिर में क्या ऐसे हमलावरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे या नहीं? क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से अपराधियों पर लगाम लगाए जा सकते हैं या नहीं? दो दोस्त मिल करके जो ये घटना सामने लेकर आए हैं, इस घटना से वाकई पर इंसान जो है डरा और सहमा हुआ है। आप भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो सोचेंगे कि कभी भी ऐसी घटना हमारे दुकान में भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके आपके अगर कोई विचार है इस घटना से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन ये मुद्दे की बात यही है कि अगर इस तरीके की घटना घटने लगे तो आम जनता, व्यापारी जो भी है, दुकानदार जो है, वो किसी भी हालत पर दुकान खोलना पसंद ही नहीं करेंगे और इस तरीके से एक बड़ी बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस तरीके का आतंक जो है पुलिस कंट्रोल करने में लगी है, पुलिस ने भी तत्काल ही एक्शन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहे तरंग न्यूज के साथ। फिर आपको बड़ी खबर के साथ फिर आपको अवगत करवाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक, आपको या इससे भी ज्यादा। आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94-24-59-88-78।